निजी ट्रेवल्स बस चालक की करतूत कैमरे में कैद। लापरवाही भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक हाथ से मोबाइल वीडियो कॉलिंग कर रहा है और एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। वह स्टेयरिंग थामे हाथ को भी बार बार वे स्टेयरिंग से हटाकर ईयरफोन चैट करने में लग रहा है और हद तो तब हो गई कि अपने पैर को भी आलिशान तरीके से बोनट पर रखे हुआ था, जिसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भ्रम निर्माण हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले ही हफ्ते नासिक में दिल दहला देने वाली निजी बस दुर्घटना में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह सारा मामला पुणे से अकोला चलने वाली नर्मदा ट्रेवल्स की लग्जरी बस का है, जिसमें राजू पाटिल नामक व्यक्ति ने यात्रा के दौरान जालना के करीब इस ड्राइवर की करतूत को कैमरे में कैद किया है। आरटीओ और ट्रैफिक विभाग भी निजी ट्रेवल्स पर मेहरबान नजर आ रहे हैं, जिसकी न्यूज हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। मैं राजू पाटिल अकोला से। मेरा कल पुणे से अकोला तक नर्मदा ट्रेवल्स का टिकट था। मैं रात को गाड़ी में बैठा और सुबह हम जालना के करीब पहुंचे, तब जाके मुझे नींद खुली मेरी और मैं ड्राइवर के पास गया पेशाब के लिए। तो मैंने ऐसा नजारा देखा कि मैं दंग देखते ही दंग हो गया कि वह इतने 40 प्रशासन से ऐसे भी कोई खिलवाड़ कर सकता है। तो ड्राइवर की कंडीशन मैंने देखी कि वो एक हाथ में वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और एक पैर उसका बोनट पे रखा हुआ और एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाने के बाद वो भी हाथ दो दो मिनट में एयरफोन को लगा रहा था। तो प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से और आरटीओ से मेरी एक ही नम्र विनंती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये ड्राइवर पे और गाड़ी पे करनी चाहिए, ताकि नासिक जैसी घटना दोबारा ना घड़े और यात्रियों के जान से खिलवाड़ कोई कर ना सके।